शॉर्टन क्लासेस। आज का वीडियो एडवांस आउटलाइन पे डिपेंड है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी पिछली आउटलाइंस की प्रैक्टिस। जो भी एडवांस आउटलाइन आपके लिए अपलोड हो रही है, क्या वो प्रॉपर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या फिर आपको उनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है? वर्ड्स को बनाने में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको हो सका तो वहीं पर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन उसकी प्रॉपर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है व्यंजन रेखाओं के मोड घूमने में या फिर उनके फ्लो में या वर्ड के बनने में, आप उसको प्रॉपर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अभी देखिए एडवांस आउटलाइन की ऑलरेडी आपकी एक सीरीज अपलोडेड है, सेकेंड सीरीज आपकी चल रही है प्लेलिस्ट में, पार्ट टू जो प्लेलिस्ट है उसमें आपकी एडवांस आउटलाइन अपलोड हो रही है। ये भी उसी सीरीज का लिंक वीडियो है जहां पर हम आपको आउटलाइन बताते हैं और वो आउटलाइन किस तरह से बनी हुई है। देखिए अगर आप सिंपल एडवांस आउटलाइन के जो भी मैं आपको सिंबल बताऊंगी वो स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो शब्द प्रॉपरली बना कैसे है। अगर आप शब्द को प्रॉपर समझना चाहते हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि आप उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा शब्द हमने किस तरह से बनाया है, उसमें क्या चीज साइलेंट है और क्या चीज हमने प्रॉपरली यूज की है। तो चलिए इसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी एडवांस आउटलाइन का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहली आउटलाइन है आपकी स्वाधीनता संग्राम। स्वाधीनता तो वैसे आपका सिंबल है, ठीक है, उसी में आपका संग्राम का शब्द आपने ऐड कर दिया है, तो क्या बना स्वाधीनता संग्राम। स्वाधीनता ये बना संग्राम, पूरा ही एक तरह से हमने लिखा है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वर्ड बहुत ज्यादा आए, तो उस कंडीशन में हमने स्वाधीनता संग्राम इस तरह से लिखा। अब देखिए मैंने क्रॉस करके लिखा है शब्द को, अगर आप दूर दूर लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप, हो सकता है, हमेशा हमें उस टाइम को याद रखना है जब हमें प्रॉपर डिक्टेशन दे लिख बोली जा रही है और हम लिख रहे हैं। अब सिंपल समझिए कि उस समय पे आप शब्द क्या बोले जा रहे हैं और आपका माइंड किस पॉइंट पे सेट है और आप उस पूरी डिक्टेशन का रुख ही बदल सकते हैं, तो इस तरह के कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको शब्द को कंबाइंड करके लिखेंगे ताकि शब्द बनाने में भी कंफ्यूजन ना हो और शब्द इजिली हमें समझ में आ जाए कि क्या शब्द हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट देखिए निपटने के लिए, निपटने के लिए, तो देखिए ना की व्यंजन रेखा बनाई, पा को छोटा किया, ठीक है, और इसी में आपने नीचे से के लिए ऐड कर दिया, हल्का सा तिरछा लेंगे और फिर वहां पर ऐड कर देंगे। अगर इतना शॉर्ट आपको बनाने में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, पूरी व्यंजन रेखा बनाएंगे फिर बनाएंगे, निपटने के लिए इस तरह से लिखोगे आप फिर इसको, ठीक है। इसी तरह से आपका शब्द है आशा और शब्द है आपका आकांक्षाओं, आशा का आपका शब्द चिन्ह है ठीक लाइन के ऊपर सा के व्यंजन का ऐसा आशा, और इसी में क छ ओ आकांक्षाओं, इस तरह से हमने ऐड किया आशा आकांक्षा बहुवचन है इसलिए, ठीक है, आप यहां पर डैश देंगे सिंपल। इसके बाद है बहुसंख्यक देशों, बहुसंख्यक हो गया आपका, अल्पसंख्यक हो गया, इसी से शब्द बनता है आपका अल्पसंख्यक देशों। तो बहुसंख्यक जब लिखा, बहुसंख्यक देशों, अल्प संख्यक देशों, बस ला और बाकी व्यंजन रेखा का अंतर है, बाकी शब्द उसी तरह से बनेगा जिस तरह से आपने ऊपर वाला लिखा था, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आप इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट शब्द देखिए
मैं, यह भी नहीं, कहना चाहूंगा कि, अब यहां पर मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि, तो देखिए मैं के लिए आ गया, यह के लिए आ गया, भी के लिए आ गया, नहीं कहना चाहूंगा कि, चाहूंगा पूरा लिखा, क्योंकि चाहूंगा के लिए चाह चाहते चाहिए का हम यूज नहीं कर सकते, वो एक बड़े से चाप से बनता है, बट यहां पर अगर आप उसको यूज करते तो मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं हो जाता। किस तरह से बनता अगर होता, मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि, देखिए मैं यह भी नहीं कहना, यह आपका बना, यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि, इस तरह से मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि, पूरा आएगा आपका, ठीक है। शब्द को बनाते समय प्रैक्टिस में लेंगे तभी हाथ इस तरह से चलेगा, वरना हाथ अटक के ही चलेगा। शब्द में अगर बीच में एडवांस आउटलाइन में हाथ उठाना पड़ गया तो फिर वो पूरी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने एक बार हाथ उठा लिया मतलब आपका फ्लो छूट गया, तो बेटर है आप एक फ्लो में उसको पूरा ड्रॉ करें, तभी आपके लिए वो बेनिफिटेड आउटलाइन है। अगर अटक रहा है हाथ तो प्लीज उसको प्रैक्टिस में लीजिए, तब उसको कंटिन्यू कीजिए। निवेदन करना चाहता हूं कि, निवेदन करना चाहता हूं कि, तो निवेदन करना चाहता हूं कि, अब यही होता निवेदन करना चाहूंगा कि, तो निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर बड़ा करके बना देंगे, निवेदन करना चाहूंगा, ना को शॉर्ट कर दिया हमने, तब यहाँ पर हाफ का बड़ा सर्किट बना के उस वर्ड को बनाया। इससे से निवेदन नहीं करना चाहता हूं, तो निवेदन में अगर यहाँ पर खाली नहीं ऐड हो गया, ठीक है, तो किस तरह से बनना है ये, निवेदन तो देखिए पूरा ही लिखना है, ठीक है, नहीं करना चाहता, बस ये इतना ना ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर होता निवेदन नहीं करना चाहूंगा, नहीं यहां ऐड हो गया होता, ठीक, तो कैसे लिखा, निवेदन, ठीक है, नहीं करना चाहूंगा। आप इस शब्द को इस तरह से बना सकते थे जिससे कि आपकी व्यंजन रेखा भी क्लियर हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो निवेदन पूरा लिखना है, नहीं के लिए ना की व्यंजन रेखा, कर करके करना शॉर्ट किया है, चाहूंगा, चाहा और गा की व्यंजन रेखा को हमने यहां पर ड्रॉ किया है। आगे देखिए, मैं आपका बहुत आभारी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि, यहां कैसे हुआ, मैं आपका, ठीक है, बहुत आभारी हूं कि, मैं आपका पूरा लिखा हमने, वहां पर आभारी हूं कि, इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे हम तब ये शब्द पूरा डिफाइन होगा। इसी तरह से शब्द हुआ, यह पहला अवसर है, तो यह की व्यंजन रेखा पूरी आएगी, यह पहला अवसर है, ठीक है। अगर यहां पर नहीं होता क्या होता, यह पहला अवसर नहीं है, इस तरह का कोई शब्द होता तो हम कैसे बनाते, यह पहला, ठीक है, अवसर नहीं है, ना की व्यंजन रेखा को हम ऐड करते हैं तब इस शब्द को बनाते, तो यह पहला अवसर नहीं है, इस ध्यान से हम लिखेंगे,
इसके बाद है आपका आरंभ, हो चुकी है। आरंभ के लिए हमने सिंबल ऑलरेडी बना चुका है, तो आरंभ हो चुकी है। चुका चुकी चुके के लिए व्यंजन रेखा को या तो पास में, और अगर कट सकती है तो उस व्यंजन रेखा से काट के लिखना, तो आरंभ हो चुकी है। इस तरह से इस सिंबल को हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विकास के लिए आवश्यक है। विकास का ऑलरेडी आपको सिंबल बता चुकी हूं मैं, तो विकास ये बना आपका, ठीक है। इवन लिए हमने ऐड करना है, विकास के लिए ये बन गया आपका आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक है, इसी के लिए होता विकास करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, विकास करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस तरह से पूरा सिंबल बनेगा आपका। इसी को हमने लिखना है, विकास के लिए आवश्यक है, विकास करने के लिए आवश्यक है। अगर शब्द होता कराने के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डैश लाइन डिफाइन कर देते जो कि आ की मात्रा को भी बताती कि यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। या तो आप इस तरह से करते, या दूसरा फॉर्म ये होता कि ये शब्द बनता पूरा लाइन पर, और कराने के लिए यही शब्द लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाता। कैसे बनाते हैं हम, विकास कराने के लिए आवश्यक है, फिर हम इस तरह से इस शब्द को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब आप इस फॉर्म में इन शब्दों को बनाएंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड 100 और 110 क्रॉस करेगी ही, ठीक है। अगर एक्यूरेसी करते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ के एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, तो नो डाउट 100 तो कहीं नहीं है आपकी, अगर आप इन व्यंजन रेखाओं को प्रॉपरली हैंड प्रैक्टिस में लेके डिक्टेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। हम इतने सारे शब्द बनाते हैं, हम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक डिक्टेशन में वो सारे शब्द आ जाए, लेकिन वो सारे शब्द कहीं ना कहीं यूज होंगे जरूर, और वो शब्द जब आपको यूज करने होंगे तो आपके हाथ पे भी सेट होने चाहिए, ताकि आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। ये जितनी भी एडवांस आउटलाइन मैं आपको बता रही हूँ, इनके लिए आपकी डिक्टेशन, जब मैं डिक्टेशन स्पीड डिक्टेशन ऐड करती हूँ, उनमें ये वर्ड आपके यूज होंगे, तो ये आपके लिए वहां पर हेल्पफुल होंगे। अगर आप कहें कि मेरे पास मैटर कहाँ है जिनमें मैं इनको यूज करूँ, तो वो मैटर भी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो रहा है। अगर आप उन डिक्टेशन को प्रॉपर देखेंगे तो वहां पर ये वर्ड आपके यूज हुए हैं। कुछ वर्ड जो सिमिलर होते हैं वो मैं आपको अलग से बताती हूँ, अब जैसे इसी के साथ में थोड़ा बहुत चेंज करके एक नया वर्ड बन जाता है, बट उसके लिए अगर आपको पेंसिल उठानी पड़ रही है तो वो गलत है, तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि एक शॉर्ट वर्ड इंक्लूड करके, और इसको माइंड में भी रख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर उस शब्द को यूज करके नया वर्ड एड कर सकते हैं, नया वर्ड बना सकते हैं। मेन थिंग इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि शब्द कैसे बन रहे हैं, वो कैसे डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। खाली मेरी बनाई हुई आउटलाइन मत रखिए, 600, 700, 800 एडवांस आउटलाइन कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको उसका बेसिक समझ में नहीं आ रहा। और मैं अगर आपको इस तरह से बता रही हूँ तो मेरा मोटिव ये है कि आप वो शब्द कैसे बन रहा है, आप डिपेंडेंसी ना रहे किसी की, आपको खुद से शब्द ड्रॉ करना आ जाए कि अगर मुझे ये व्यंजन रेखा शॉर्ट करनी है या मुझे एक एडवांस आउटलाइन बनानी है तो वो मैं किस तरह से बनाऊं, ठीक है, ना कि मैं कहीं सर्च करूं कि ये आउटलाइन कैसे बनेगी। आपको हर वीडियो में कोशिश करती हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप खुद सोचो कि ये काम कैसे होगा, ना कि आप किसी का सपोर्ट ढूंढो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वर्ड जब कंबाइंड हो रहे हैं तो आप उनका बेसिक समझिए कि वो किस तरह से हो रहा है। इसीलिए इन वीडियोस में मैं आपको कहती हूँ कि आप इनको प्लीज पूरा देखा कीजिए, ताकि जहां पर भी जो शॉर्ट हो रहा है या जो ऐड हो रहा है वो मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन करती हूँ, और वो आपको तभी समझ में आएगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं आप में डेवलप करना चाहती हूँ वो तभी डेवलप होगा जब आप उनको प्रॉपरली देखेंगे। स्किप करके देखेंगे, छोड़ छोड़ के देखेंगे, खाली इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो बेनिफिटेड होगा। आप
कि इस बारे में क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये स्ट्रक्चर आपकी स्टडीज के लिए प्रॉपर है, हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसी तरह से वर्ड है आपका परिस्थिति के अनुसार। अभी देखिए परिस्थिति जो वर्ड है वो हम बेसिकली इस तरह से बनाते हैं, परिस्थिति थर्ड प्लेस पे डिफाइन करते हैं परिस्थिति, ठीक है। अब जब यहां पर सिंबल ऐड हो गया, कोई नया वर्ड जुड़ गया, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? दो फॉर्म है आप जिनमें इसको बना सकते हैं। एक तो परिस्थिति के अनुसार, के हमने इसमें साइलेंट कर दिया। अब आप खुद समझिए, अगर मैंने के साइलेंट किया है तो परिस्थिति का अनुसार नहीं होगा, परिस्थिति की अनुसार नहीं होगा, क्या आएगा? परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति का फिक्स वर्ड हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसके बिहाफ पे हमने पूरी स्ट्रोक लाइन को डिफाइन किया, तो कैसे बना? परिस्थिति के अनुसार। इसी तरह से आप इस शब्द को, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है और आपका परिस्थिति आप, मतलब परिस्थिति शब्द आप किसी दूसरे फॉर्म में लिखते हैं पूरा डिफाइन करके, तभी भी आप इसको परिस्थिति इस तरह से बनाएंगे और अनुसार, परिस्थिति अनुसार, तभी भी के साइलेंट ही रहेगा। मुझे ये सिंबल ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज आप वहां पर शब्द छोटा हो गया और जल्दी पढ़ने में आ गया। हमेशा यूनिक वर्ड कैच करना चाहिए। जब आप यूनिक वर्ड कैच करेंगे तो आपको कितनी भी शब्दों की गड़बड़ हो जाए बट आपका वो यूनिक वर्ड आपको बहुत जल्दी कैच हो जाता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं हमेशा यूनिक वर्ड पे फोकस करती हूँ कि जो वर्ड एकदम इजीली मुझे कैच हो जाएगा मैं उसी को प्रैक्टिस में लेती हूँ, ना कि उन वर्डों को कि अब ऐसे घुमा के बना दिया तो ये परिस्थिति पूरा बन गया। आप इसको जल्दी पढ़ोगे, आप इसको प्रैक्टिस में लेके देखोगे, नो डाउट आपको भी ये चीज क्लियर होगी कि हमेशा यूनिक वर्ड हम जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लीजिए। ये सारे रूल्स मैंने आपको एडवांस आउटलाइन के बता दिए कि कौन सा वर्ड किस तरह से बना है, कहाँ पर क्या चीज यूज हुई है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। अभी के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपकी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहा है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।